हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रव्या पालवी लोग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही हमारे व्लॉग में। तो देखिए जी, मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होगा है। वैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन सुबह ही 4:30-5 तक शुरू हो जाता है, मतलब किसी भी टाइम 4 बजे के बाद में। तो आज मैं उठी थी 5:30 बजे और पशुओं का सारा काम कर लिया मैंने। सुबह सुबह थोड़ा सा दिखाया भी था वीडियो में, अभी दिखाऊंगी आगे वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा धुंध आ रही थी, पास का भी चमक रहा था, इतनी तेज धुंध थी आज। सर्दी बहुत ज़्यादा है और चाय पानी सबका हो गया है। अब खाने की हो गई है तैयारी, तो खाने में देखते हैं आज क्या बनाएंगे। ये देखो जी, सुबह सुबह इतनी धुंध में बंदर आ गए। ये रात भर यहीं पे सो रहे थे टैंक के पास में, और अब ये नीचे उतरने वाले हैं थोड़ी देर में छत से। ये आ लिया और ऊपर बच्चा है इसका छोटा सा, ये देखो कितना प्यारा। ये चढ़ गया इधर, हुआ होगा छोटा सा बच्चा यहाँ पे, ये देखो। और धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी के कारण बेचारे परेशान हो रहे मंकी। इतनी ठंड में काम करना बहुत महाभारत है, खास तौर पर पशुओं का। तो ये देखिए जी, आज खाने में बनेगा मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टमाटर काट लिए थे और हरी मिर्च, और इधर मटर निकाल ली थी, और इधर रेनू ने चढ़ा लिया है तेल, और पहले तरी बनाएंगे। तो चूल्हा हमारा बढ़िया जल रहा है एकदम, जैसे सर्दी का मौसम है, अच्छा चल रहा है एकदम। इधर देखो मौसम अब तक भी साफ नहीं हुआ, ऐसा कैसा ही है, पूरी धुंध पड़ी हुई है। तेल गर्म होने पर छोड़ दिया था इन्होंने जीरा, और अब डाल दिया है इसमें टमाटर, हरी मिर्च। और यहाँ पर डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्च। हाँ, ये डल चुका है नमक। ये देखिए जी, ग्रेवी हमारी बनकर हो गई थी तैयार, और अब डाल लेंगे मटर। मटर मैंने बहुत सारे छील लिए थे, सारे छील लिए मैंने जितने लाए थे, 1 किलो तो लाए होंगे, क्योंकि बड़ा परिवार है तो 1 किलो मटर भी कम ही रह जावे। बच्चों की बच्चों का साथ है ज्यादा, क्योंकि बच्चे कुछ खावे कुछ बिरान करे। हाँ, फिर तो सबसे पहले एक सिट्टी लगवाएंगे अब जा, और फिर उसके बाद। हाँ, फिर चाय की तैयारी कर दी थी, डैडी की थोड़ी सी चाय बनाते। और इधर हमारे जेठ जी आ चुके हैं। वागी माँ, ये तो लग रहा है बस तुम्हारे दैन का फीट लगा लगा लो। बिखर गया तो गिर जा का इनका पासना का पड़ा काम से। कौन आ रहा है? चाचा। अरे सिवा आ तो चाचा। अरे नहीं, बैठ के भाग गए, उठ के अभी लगेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी तरी बनकर हो गई है तैयार एकदम, और इधर हमारा पनीर है तैयार। तो हम पनीर की कटिंग होने लग रही है हमारे। हाँ, ये थोड़ा फ्री सा हो गया ना, तो ये हमने घर पे बनाया था, वो मार्केट का नहीं है ये। और इसमें ना नींबू नहीं डाला, वो माई घोड़ियो क्या हो गया, पूरा पनीर का एक पीस डल गया था इसमें सब्जी में। तो ये देखो हमारा पनीर भले ही अच्छा ना जमा हो, लेकिन सब्जी बड़ी अच्छी बन गई। देखो एकदम जैसे शादियों में हो। और हमारा हाँ पतली नहीं बनाई, टाइट है, देखती एकदम शादी के जैसा बना, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
यानी कि आज हम घर का पनीर, शुद्ध पनीर खाएंगे हम एकदम, है ना? है रविया? ये देखिए जी, बच्चे तो आ गए थे स्कूल से और ये खा रहे हैं खाना। कैसा लगा पनीर? बढ़िया लगा, इसे नहीं लगा बढ़िया। इसे पनीर अच्छा नहीं लगता, यहाँ शादियों में भी नहीं खाती। इसे अच्छा नहीं लगता पनीर। और इधर खेत में से गोले आ गए, अब इधर घास कटेगा, डंगरों को घास करेंगे। आज तो चिली कट रही, दो कपड़े भी सूख गए। युकू क्या खा रहा आज? खीर, दलिया। कैसा लगा दलिया? हैं? कैसा लगा दलिया? कटोरी दिखा रहा एक नंबर का, बता जैसा बताया करे तू। ये देख यार, पानी की प्यासी फिर हो जा, 24 घंटे नाक चलो जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी, शाम के 3 बजे हैं और पशुओं को मैंने चारा कर दिया है और इधर रेनू लगा रही है झाड़ू। हाँ बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे है। वो ये उसे देखो, विराज को पानी में घुस गया। ओह माय गॉड। तो ये देखिए जी, बहुत सारे कपड़े ये तो धो दिए थे हमने मशीन से और अब बच्चे आ गए थे स्कूल से तो उनकी ड्रेस धो रही, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है ना, तो कपड़े नहीं धुलने के। और नॉर्मल कपड़ों का तो कुछ नहीं है जो डेली यूज में काम आवे, लेकिन ड्रेस तो चाहिए ही है बच्चों की। और इधर देखो ये कितने सारे कपड़े हो रहे, इधर बच्चों की ड्रेस धोकर रख दी मैंने। और ये बर्तन पड़े कुछ खाना खाने के हैं, ये अभी पैर में खाना खाया था ना, तो ये मेरे बर्तन है। और उधर देखो फरीना क्या पहन रखा, नाइट सूट है ये इसका, दिन में पहन ले इसे। यहाँ पर चाची जी लगा रही है झाड़ू। ते देखो जी, आदि कर रहा है पढ़ाई और इसकी मैडम ने बोला कि रिक्त स्थान खुद भर का लाने है ना। तो भर तो लिया अब जो करने आपको। और नंबर बहुत कम है इसके पेपरों में, मैथ में है सबसे कम। अब इसका कहीं ट्यूशन पक्का लगवाना पड़ेगा, टीचर भी तो नहीं मिलते यहाँ पे गांव में जल्दी सी। और इधर देखो रविया पी रही है दूध। रविया, रविया के लग गई थी चोट, देखो रविया तेरी चोट कैसी है, अब जा चोट दिखाओ ऊपर को करो। ये देखो रविया का चोट लग गई थी बहुत तेज, बच गई बस, नहीं तो यहाँ से बहुत तेज खून निकला था उस दिन, अंदर चली गई थी, ईंट घुस गई थी, गिर गई थी या नाली की किनारे पर खड़ी थी, है ना? दर्द हो रहा है? पट्टी, पट्टी तो मंगवाऊंगी मैं आपके पापा जी से, ठीक है? अब इतना आप सो जाओ, सर्दी हो रही है। तो ये देखिए जी, शाम के टाइम मैं यहाँ पर आ गई थी दूध निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया था आज तो, नहीं तो मैं 5 बजे पूरे दूध निकाल लेती हूँ। और रात 5:30 बजे लिए थे और तब मैंने इसका दूध निकालना था, क्योंकि 2 भैंसों का दूध निकालने में टाइम लगा है ना, तो लेट हो जाती हूँ मैं, तो इसीलिए
जल्दी जल्दी दूध निकाल रही थी बहुत ज़्यादा। और आज तक का वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।